अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका मेरा और आपके चैनल कुकिंग नाजरीन में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही सुहाना मौसम है और बारिश भी हो रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ अपने वे में जो मेरी ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी है वो आज आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं उबले हुए दो आलू। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टी स्पून ऐड करेंगे हम अमचूर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो चलिए इनको एक साइड कर देते हैं। यहाँ पर हम ये उबले हुए आलू के कुछ पीसेस लेंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसकी दोनों साइड हमको मसाला लगा लेना है। यहाँ पर हमने अपने ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं। अब यहाँ पर मैं इन पर अप्लाई करूँगी ग्रीन सॉस। पर अप्लाई करेंगे अपना आलू मिक्सचर। ये हमको भर भर के करना है, बिल्कुल कंजूसी से नहीं करना है। अब हम रखेंगे इस पर अपने कटे हुए आलू के पीसेस इस तरीके से। अब हम रखेंगे इसको अपना दूसरा ब्रेड का पीस। ये कुछ इस तरीके से आया है। यहाँ पर हम ब्रेड पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं ये 1 कप मैदा लूँगी, यानी ऑल पर्पज़ फ्लोर। इसका लेने का जो मेरा मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वो बहुत ही क्रिस्पी होने वाला है। इसको हम 1/2 कप लेंगे। यहाँ पर हम बेसन, यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, सम चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के अनुसार। बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर ध्यान रखना है हमको गाढ़ा ही रखना है। बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। सो अब चलते हैं हम अपना ब्रेड पकौड़ा फ्राइंग की ओर। ब्रेड पकौड़ा पीसेस को हम एक नाइस डिप देंगे। इस तरीके से आज ब्रेड पकौड़ा बनाते हुए हमारी जो बड़ी बहन है उन्होंने हमको चैलेंज दिया है कि तो ब्रेड पकौड़े का जो कलर है वो बहुत ही परफेक्टली लाइट येलो आना चाहिए, तो हमें उसी बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर फ्राई करना है। ब्रेड पकौड़ा पीसेस हमने टर्न कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये कच्चा भी ना रहे और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट हो। कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर। ये देखिए, ब्रेड पकौड़ा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है।
तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। हमने जो इसका बैटर जो थिक रखा है उसका एक पर्पस ये भी है, जो हमारी ब्रेड जो ऑयल सोख लेती है वो बिल्कुल नहीं जाए। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा हमारा कितना परफेक्ट बना है। ब्रेड पकौड़ा अब हम इनको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए ऐड थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे धनिया पत्ता, ग्रेटेड की हुई मूली। सो फ्रेंड्स हमारा ब्रेड स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, हमको दुआओं में याद रखिएगा।